गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में। इसमें एक या दो क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीयर 2.0 जो एग्जाम 7 तारीख से 14-15 तारीख तक चलेगा, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ हम लोग सीखेंगे माध्य यानी मीन के बारे में सीखेंगे, माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग, मीडियन, बहुलक यानी मोड कैसे निकाला जाता है, बहुलक का ये जो फॉर्मूला 3 माध्यिका - 2 माध्य जो है इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, परिसर रेंज क्या होता है यहाँ पे, विचरण या प्रसरण या प्रसार यानी वेरिएंस जिसको हम लोग बोलते हैं ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सीखेंगे, विचलन गुणांक यानी कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे, मास्टर वीडियो लेकर के आए हुए हैं जो कि आपका बीपीएससी जो है यानी बीपीएससी टीयर 2.0 ये जो 1 से लेकर 12 तक का जो एग्जाम होगा यहाँ पे टीचर के लिए ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक्स को यहाँ पे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं कि अगर ये हमारा डेटा दिया हुआ है तो इस डेटा में यहाँ पे अगर फर्स्ट में हम लोग करते हैं कि अगर निकालना चाहेंगे माध्य को निकालेंगे तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्य जनरली आप छोटी क्लास में भी पढ़े हैं कि ये माध्य जो हमारा होता है सिंपली ये एवरेज करके हम लोग करते हैं यानी औसत जो हमारा, तो औसत में क्या करते थे कि सभी का सम करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग करते थे, बाय में हम लोग करते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सम अगर करेंगे टोटल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा 90 आएगा और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारा है ये 9 है यहाँ पे, तो ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा यानी यहाँ पे जो हमारा मीन हो गया यानी माध्य जो हो गया ये माध्य हमारा यहाँ पे 10 होगा। सेम उसी प्रकार से माध्यिका अगर हम लोग निकालते हैं तो माध्यिका हम लोग क्या करेंगे कि अगर माध्यिका के लिए सबसे पहले जो है हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको किसी भी तरह से आप अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, अगर अरेंज करते हैं हम लोग हैं तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो हम लोग सबसे छोटा जो जो नंबर है हमारा 9, फिर से 9 है यहाँ पे, 10 10 10 ये 5 टाइम्स है यहाँ पे, उसके बाद 11 और फिर 11 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है यहाँ, 9 हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब इसमें से क्या करेंगे, 4 इधर से छोड़ देते हैं, 4 इधर से, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ बीच वाला जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बीच वाला हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा यानी ये माध्यिका जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 10। तो इस प्रकार से माध्यिका जो है हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ ये नंबर आपका जो है ये ऑड नंबर पे है, अगर ये इवेन नंबर रहेगा तो इवेन नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बीच वाला जो रहेगा उसमें 2 रहेगा, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे फिर उसका मीडियन निकल जाएगा। और भी रहेगा चाहे इवेन रहे चाहे ऑड रहे, इसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे कि मीडियन यहाँ पे निकाल लेंगे। थर्ड हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसी क्वेश्चन में, बहुलक में क्या होगा यहाँ पे कि बहुलक हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सबसे अधिक बार आया होगा, तो यहाँ देखिए 9 हमारा कितना 2 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, 10 हमारा यहाँ पे कितना 10 हमारा 5 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, और 11 जो हमारा है 11 यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है, तो मैक्सिमम जो टाइम आएगा वही हमारा यहाँ पे बहुलक यानी मोड हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो अधिक बार आया हुआ है ये हमारा हो जाएगा 10 यानी यहाँ बहुलक जो आपका है ये यहाँ बहुलक हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ नंबर निकालते हैं यहाँ पे यानी बहुलक का जो फॉर्मूला यूज करके हम लोग भी यहाँ निकाल सकते हैं, अगर दिया हुआ माध्य दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ यानी मीन और मीडियन दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मोड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मीन हमारा है यानी मीन जो हमारा यहाँ पे मीन हमारा 10 है और यहाँ पे मीडियन जो हमारा यहाँ पे है ये मीडियन भी हमारा यहाँ पे कितना है ये 10 है, तो यहाँ से अगर मोड हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो मोड का जो फार्मूला होता है 3 × मीन होता है 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन होता है। इस फॉर्मूला में यहाँ यूज करेंगे अगर तो ये हमारा 3 × मीडियन भी हमारे यहाँ 10 है और मीन भी हमारे यहाँ पे 10 है, तो 30 - 20 हो गया यानी ये 10 हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ पे मॉड निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये फोर्थ हमारा है रेंज, रेंज हमारा क्या होता है, ये रेंज यानी परिसर जिसको बोलते हैं, रेंज मतलब प्रसार कितना तक ये दिया हुआ, तो इसमें से हम लोग मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम लोग जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है उसमें, तो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है तो यहाँ पे 11 है और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है तो सबसे छोटा है यहाँ पे 9 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारा रेंज हो जाएगा यानी 11 - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा,
तो ये आपका यहाँ पे रेंज यहाँ पे निकल गया। फिर अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग हमारा है कि विचरण या प्रसार इसको बोलते हैं। तो विचरण या प्रसार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानक विचलन क्या होता है। तो मानक विचलन जब भी निकालेंगे तो हमेशा ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है यहाँ पे, और ये अगर हम लोग निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, ये इसका 7 का होगा यहाँ पे। कि मानक विचलन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होगा। और नंबर 8 में जो दिया हुआ कि अगर विचलन गुणांक यानी कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है, यानी कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या होगा, SDM यानी इंटू 100। यानी क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल करके और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे मीन्स को, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो परसेंटेज आएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ द वेरियंस हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विचरण हम लोग कैसे निकालते हैं। तो विचरण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मीन आया हुआ है, तो यहाँ पे मीन हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट में, जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है हमारा, जो डेटा दिया हुआ है, इस मीन में हम लोग निकाल चुके हैं ये 10 हमारा क्या है, तो 10 हमारा जो है यहाँ पे मीन आ चुका है। तो अगर वेरियंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो वेरियंस के लिए क्या करेंगे कि इसमें से सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को इससे माइनस करेंगे मीन में और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 10 में 10 करेंगे तो फिर ये 0 का स्क्वायर करेंगे, सबका सम करेंगे यहाँ पे। 9 में से 10 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 में से फिर वह स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। फिर 10 में करेंगे तो ये होगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। फिर ये 11 में 10 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से 10 करेंगे तो 0 का स्क्वायर, प्लस 9 में से अगर यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो ये -1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से 11 में से 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 9 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो डिवाइड करने के बाद जो है तो ये टोटल ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा, यानी 4/9 जो होगा यहाँ पे, ये वेरिएंस यानी विचरण या इसको प्रसरण या प्रसार भी इसको बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 7 नंबर अगर हमको निकालना, ये 6 नंबर का हो गया, 7 नंबर अगर मानक विचरण अगर इसी का निकालना रहे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना रहे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, इसका करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। वेरियंस हमारा 4/9 है जो कि आएगा ±2/3, और ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी 2/3 इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, और इसका जो विचरण हम लोग निकाल चुके थे, विचरण हमारा कितना होता है 4/9 था। और विचरण गुणांक अगर निकालना है, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है, तो कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा है कि कोफिशियंट ऑफ विचरण गुणांक यहाँ पे अगर निकालते हैं, विचरण गुणांक या कोफिशियंट ऑफ वेरियंस, तो SDM, तो SDM में क्या करेंगे हम लोग, SDM ये फॉर्मूला याद रखना, SDM में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा विचरण गुणांक। यहाँ पे SDM हमारा कितना था, तो 2/3 आया हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे जो मीन है, मीन हमारा यहाँ पे 10 था इंटू यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू यहाँ पे 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 20/3, ये परसेंट आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 20/3 परसेंट, ये वैल्यू आपका यहाँ पे निकल जाएगा विचरण गुणांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख करके लेते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यानी यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेरियंस क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग वेरियंस निकालना यहाँ पे है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो ये वेरियंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आपका कितना है कि 4.5 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है यानी मानक विचलन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 20.25, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन है 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन आपका दिया हुआ है ये 7 है, तो यहाँ पे आपका विचरण निकालने के लिए बोल रहा है, यानी वेरियंस कितना होगा। तो वेरियंस इक्वल्स टू पीछे क्वेश्चन में देख लें क्या होता है, तो SD यानी
स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा वेरिएंस निकल जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग फिर देख, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि वी हैव हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पे जो वितरण का माध्य यानी जो हमारा मीन है, ये मीन हमारा यहाँ पे 80 दिया हुआ है और यहाँ पे मानक विचलन 16 है, और मानक विचलन जो आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि ये दिया हुआ आपका 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशियंट यानी कि कोफिशियंट ऑफ वेरियंस निकालना है, कोफिशियंट ऑफ वेरियंस यानी ये आपका विचलन गुणांक निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा SDM यानी SDM इंटू 100 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ SD हमारा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ, तो ये 16 दिया हुआ है और ये आपका यहाँ पे कितना है माध्य जो है हमारा मीन 80 है यहाँ पे इंटू 100 से, तो 16 1 16 और 16 5 80 हो जाएगा, और यहाँ 520 जा हो जाएगा यहाँ पे 100, तो ये आपका आ जाएगा कितना 20% हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ वेरियंस यहाँ कितना हो गया इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग फिर देखते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज यानी कि आपको परिसर निकालना है यहाँ पे, बहुलक मोड तथा मीडियन आपको यहाँ पे ज्ञात करना। सबसे पहले ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का भाई जिस तरह से दिया हुआ है पहले रेंज निकालना फिर बहुलक फिर माध्य, उसी अनुसार से यहाँ पे आंसर को भी देखना। तो सबसे पहले अगर रेंज हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो अगर रेंज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 18 है, और सबसे छोटा वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे है ये है आपका यहाँ पे 12 है, तो यहाँ जो सबसे छोटा वैल्यू है, तो यहाँ जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, देखिए सबसे बड़ा वैल्यू 21 है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, और सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो ये 12 है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं होगा यहाँ पे 21 होगा, तो 21 माइनस 12 करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 9 होगा, तो रेंज हमारा कितना हो गया 9। तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं, हमको और मॉड और मीडियन निकालने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन केवल 1 ही टैली कर रहा है, ये में देखिए 9 है, तो फर्स्ट में या 9 किसी में भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन के द्वारा भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।